चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। नायब सिंह सैनी ने किया राज्यपाल से मुलाकात, राज्यपाल से मिलकर किया दावा पेश। हरियाणा के नए सीएम होंगे नायब सिंह सैनी, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शाम 5 बजे नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण होना है और अब जो है नए सीएम होंगे नायब सिंह सैनी, तो शाम 5 बजे इनका शपथ ग्रहण समारोह है और हरियाणा के नए सीएम होंगे नायब सिंह सैनी। राज्यपाल से मिलकर दावा किया पेश और नायब सिंह सैनी ने किया राज्यपाल से मुलाकात। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल से मुलाकात की और दावा पेश कर दिया है। तो नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल से मुलाकात किया और मिलकर दावा पेश किया है। हरियाणा के नए सीएम होंगे नायब सिंह सैनी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही। नायब सिंह सैनी ने किया राज्यपाल से मुलाकात, राज्यपाल से मिलकर दावा पेश कर दिया है। हरियाणा के नए सीएम के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा और फिलहाल जो है राज्यपाल से मिलकर दावा पेश कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि नायब सिंह सैनी है कौन, बीजेपी के और सांसद हैं और ओबीसी समुदाय से आने वाले बीजेपी के मुख्य नेता हैं नायब सिंह सैनी। और साल 1996 में सैनी को राज्य में बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी दी गई और 2002 में उन्हें BJYM का जिला महामंत्री बनाया गया। वहीं 2014 में नारायणगढ़ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और 2016 में सैनी को खट्टर सरकार में राज्य मंत्री भी बनाया गया था, तो उन्हें मनोहर लाल का करीबी माना जाता है नायब सिंह सैनी को। तो ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे सांसद और हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सैनी हैं और ओबीसी समुदाय से आने वाले बीजेपी के मुख्य नेताओं में से एक है। 1996 में सैनी को राज्य में बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और 2002 में उन्हें BJYM का जिला महामंत्री भी बनाया गया था। इसके बाद 2014 में भी वो जो है कार्यभार संभालते हुए नजर आए, तो राज्यपाल से फिलहाल उन्होंने मुलाकात कर लिया है और अब उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। तो नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है और राज्यपाल से मिलकर उन्होंने दावा पेश कर दिया है। तो हरियाणा के नए सीएम होंगे नायब सिंह सैनी और शाम 5 बजे शपथ होना है और फिलहाल राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात की है और दावा पेश किया है। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी, शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण होना है नायब सिंह सैनी का और अब से हरियाणा की कमान संभालेंगे। और एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है हरियाणा की सियासी हलचल से जुड़ी बड़ी खबर। कैबिनेट की बैठक से अनिल विज नाराज, नायब सैनी के नाम से सहमत नहीं थे। अनिल विज नाराज होकर बीजेपी विधायक दल की मीटिंग छोड़ी, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अनिल विज ने नाराज होकर बीजेपी विधायक दल की मीटिंग छोड़ी और नायब सैनी के नाम से सहमत नहीं थे, जिसके चलते नाराज हो गए, बीजेपी से नाराज होकर विधायक दल की मीटिंग छोड़ी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अनिल विज जो है कैबिनेट की बैठक से नाराज हो गए और हरियाणा की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट की बैठक से अनिल विज नाराज हो गए और नायब सैनी के नाम से सहमत नहीं थे, जिसके चलते बैठक से नाराज होकर बाहर निकल गए। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही, नाराज होकर बीजेपी विधायक दल की मीटिंग से बाहर आ गए। बताया जा रहा है नायब सैनी के नाम से सहमत नहीं थे अनिल विज और इसके चलते बैठक में जो है उनकी नाराजगी देखने को मिली और इस दौरान वो बीजेपी से नाराज होकर बाहर निकल आए। तो कैबिनेट की बैठक से अनिल विज नाराज और नायब सैनी के नाम से
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से नितिन चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, कैबिनेट की बैठक से अनिल विज नाराज हो गए और वहां से निकल गए, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए जी, बिल्कुल, जिस तरीके से कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उस बैठक से जो है अनिल विज नाराज होते हुए नजर आए थे, क्योंकि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी का नाम सामने आया था मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम की जब चर्चा हुई तो विधायक दल की जो बैठक हुई थी उस बैठक में जो है अनिल विज भी शामिल थे, लेकिन उसके बाद लगातार नायब सिंह सैनी के नाम पर जो है अनिल विज काफ़ी नाराज थे, क्योंकि जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर पहले मुख्यमंत्री थे तो उसके बाद लगातार उन्हें जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिया, अपने कैबिनेट के तमाम मंत्रियों के साथ इस्तीफा दिया, बताया जा रहा है कि लगातार जैसे इस्तीफा दिया था तो इस्तीफा देने के बाद तो नायब सिंह सैनी को जो है विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन उसके बाद लगातार यही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया है तो आखिरकार शाम 5 बजे वो शपथ ग्रहण अपना समारोह लेंगे, जिस तरीके से लगातार इस पर सियासत जो है बढ़ती हुई नजर आ रही थी हरियाणा के अंदर, लेकिन आज फिर से दोबारा से जो है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने दोबारा से जो है नए मुख्यमंत्री की कुर्सी नायब सिंह सैनी को दे दी। जिस तरीके से ओबीसी समाज की बात की जाए तो ओबीसी समाज में सबसे बड़ा ताल्लुकात रखते हैं और सैनी समाज से आते हैं, तो उस तरीके से देखा जा रहा था अम्बाला जैसे काफ़ी ऐसी जगह हैं जिस तरीके से जो है नायब सैनियों का जो है वोट बैंक ज़्यादा है, वहीं ओबीसी समाज में ज़्यादा ताल्लुकात रखते हैं, तो उसको देखते हुए नायब सिंह सैनी को इसीलिए मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ रहा है तो लोकसभा के चुनावों में लेकर देखा जा रहा है कि इस तरीके से कि आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो ज़्यादा ओबीसी वोट बैंक की पकड़ रखता हो, और नायब सिंह सैनी जो एक सैनी समाज से आते हैं तो सैनी समाज जो है काफ़ी जो है हरियाणा के अंदर है, तो इसलिए नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया है। जी जी, अगर हम बात करें तो ये लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का ओबीसी कार्ड कितना बड़ा भूचाल लेकर आएगा हरियाणा की सियासत में? बिल्कुल, जिस तरीके से ओबीसी का जो है वोट बैंक की बात की जाए या ये कार्ड जो खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, एक सोच समझ कर कार्ड खेला है, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी यही प्रयासों में रहती है कि ओबीसी समाज के लोगों को जो है कहीं इस तरीके की नाराज़गी जाहिर ना करनी पड़ जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बात की जाए वहाँ पर जाट बाहुल्य क्षेत्र है और सैनी समाज भी जो है ज़्यादा आता है, तो इस तरीके से देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो है नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री चुना। और बता दें कि जब आज विधायक दल की जो बैठक हो रही थी उस बैठक में नाम की चर्चाएँ चल रही थी सुबह से लगातार, क्योंकि उस तरीके से जब देखा जाता जब इस तरीके मंत्री पद से अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया मनोहर लाल ने, तो उसके बाद अपने जो मंत्रिमंडल के नेता थे उनका भी इस्तीफा जो है राज्यपाल को सौंपा, तो राज्यपाल को सौंपने के बाद जिस तरीके से विधायक दल की बैठक हुई, बैठक जो होने के बाद तो विधायक दल की बैठक में जो नाम जो है सामने आया नायब सिंह सैनी का, तो नायब सिंह सैनी को विधायक दल के नेताओं ने अपना मुख्यमंत्री चुना, लेकिन उसके बाद बात की जाए तो अनिल विज की, तो अनिल विज जो है काफ़ी नाराज नजर आ रहे थे, क्योंकि नायब सिंह सैनी के नाम से लेकर और बताया जा रहा है कि मनोहर लाल के साथ में कम से कम काफ़ी अच्छा काम किया है, मनोहर लाल के साथ में जो है काफ़ी अच्छा इनमें ताल्लुकात रखते हैं, और जिस तरीके से मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद लगातार ये चर्चाएं चल रही थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि शाम सुबह से यही खबरें चल रही कि मनोहर लाल खट्टर को जो है दोबारा से मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन आज जो है विधायक दल की जो बैठक हुई थी उस बैठक में नायब सिंह सैनी का नाम सामने आया था, नायब सिंह सैनी जो है एक ऐसे सैनी समाज से आते हैं और दूसरा ओबीसी समुदाय के लोगों से ज़्यादा वो रखते हैं ताल्लुकात, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री घोषित किया है। नितिन, बताया जा रहा है अगर अनिल विज की बात करें तो कहा जा रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं सीएम बनने की उम्मीद थी और 6 बार के विधायक भी रहे हैं, पार्टी के तमाम जो कार्य है उसमें लगातार सक्रिय रहे हैं, हमेशा मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, तो इसके चलते जो है उनके अंदर नाराजगी देखी गई है। देखिए बिल्कुल, बात की जाए अनिल विज की तो अनिल विज जो है काफ़ी नाराज थे, क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में भी उनका नाम सामने आया था, नायब सिंह सैनी का नाम सामने आया था, नायब सिंह सैनी जो है प्रदेश अध्यक्ष थी, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार इस चीज़ को कुर्सी जो है उनके हाथ में कमान थी, लेकिन आखिरकार यही देखा गया, क्योंकि 1996 की जो बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस संगठन का इनको जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी देने के बाद लगातार इस चीज़ ने जो है पूरी तरीके से जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में ये सक्सेस जो है नज़र आते रहे, लेकिन उसके बाद बताया जाता है कि मनोहर लाल खट्टर के साथ इनकी काफ़ी नज़दीकियाँ की थी और साथ ही जो है अनुभव है काफ़ी सालों से इनको राजनीति का अनुभव लगाया जा रहा था, 1996 की बात की तो पहले ही इनकी राजनीति का कैरियर जो शुरुआत की थी 1996 की थी, लेकिन उसके बाद 2014 में इनको राज्य मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री का इनको दर्जा दिया गया, कि इस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी, उसके बाद लगातार देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे ये, लेकिन उसके बाद आज फिर से जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा सौंपा था, उसके बाद विधायक दल की जो बैठक हुई थी, विधायक दल की बैठक होने के बाद तो विधायक दल की बैठक में आपका तमाम जानकारी के लिए